कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कर रहे थे, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं लास्ट क्लास का। कितने पार्टीज होती हैं? 3 पार्टीज। कौन कौन सी? प्रिंसिपल, डेटर, और कौन होता है बताओ? प्रिंसिपल, डेटर, फिर क्रेडिटर, फिर कौन होता है? एक श्योरिटी। श्योरिटी कौन होता है? गारंटर होता है। कॉन्ट्रैक्ट 3 पार्टीज हैं तो एग्रीमेंट्स भी कितने बनते हैं? 3 एग्रीमेंट्स बनते हैं। किस किस के बीच में बनता है? एक डेटर और क्रेडिटर, एक क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में, और एक श्योरिटी और डेटर के बीच में। याद आ रहा है कुछ कुछ कि भूल गया? यस मैम, याद आ रहा है। प्रिंसिपल डेटर था, क्रेडिटर था, श्योरिटी था, 3 पार्टीज हैं, 3 एग्रीमेंट्स हैं। फीचर्स क्या थे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के? फीचर्स पे आते हैं अपन। फीचर्स को ही क्या बोलते हैं अपन? एसेंशियल्स बोलते हैं। पहला एसेंशियल रिवाइज करो, देखो 3 पार्टीज एंड 3 एग्रीमेंट। सेकेंड, कॉन्करेंस ऑफ 3 पार्टीज। नेक्स्ट क्या था? एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइमरी लाइबिलिटी। हाँ, एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइमरी लाइबिलिटी। फोर्थ है, ऑल द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फुलफिल्ड। ऑल द एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फुलफिल्ड। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या था? श्योरिटीज, लाइबिलिटी इज सेकेंडरी। फिर सिक्स्थ पॉइंट क्या था? गारंटी मस्ट नॉट। अब देखो यहां तक हुआ था श्योरिटी लाइबिलिटी इज सेकेंडरी तक। यहां तक कोई डाउट है किसी को? किसी को भी? देखो 3 पार्टीज और 3 एग्रीमेंट्स हैं, कॉन्करेंस ऑफ 3 पार्टीज है इसमें, कॉन्करेंस ऑफ 3 पार्टीज। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइमरी लाइबिलिटी। प्राइमरी लाइबिलिटी क्यों वर्ड यूज किया था? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पहले किन दो लोगों के बीच में? एक डेटर और क्रेडिटर के बीच में। तो प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी बनती है यहाँ पर? किसकी, जो पैसे ले रहा है। फिर फिफ्थ पॉइंट का जस्ट उसका अपोजिट देखो, श्योरिटी लाइबिलिटी इज सेकेंडरी। अगर ये दो लोग, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर, आपस में खुद डील नहीं कर पा रहे हैं, तब जो श्योरिटी है वो एंटर करता है एग्रीमेंट पे, और उसका लाइबिलिटी क्या बनता है? सेकेंडरी। सेकेंड उस पर आता है क्योंकि पहले डेटर और क्रेडिटर को सॉर्ट करना है अपने आप में। अब देखो सिक्स्थ पॉइंट, यहां से हमको करना है आज स्टार्ट। गारंटी मस्ट नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय, गारंटी मस्ट नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय means of misrepresentation. Guarantee must not be obtained by means of misrepresentation. Misrepresent करके मतलब जो contract of guarantee है इसमें misrepresentation क्या होता है बताओ? Misrepresentation बताइए, मिसरिप्रेजेंट करना, फैक्ट्स को मैनिपुलेट करना, ट्रूथ को, ठीक है? इसलिए इसमें ये जरूरी नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, जो श्योरिटी है थर्ड पार्टी, जो है गारंटी,
जो डेटर और क्रेडिटर होता है ये लोग जो फैक्ट्स होते हैं इससे छुपा के रखते हैं किससे, गारंटर से, तो ये गलत है। इसलिए गारंटी मस्ट नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन। जो डेटर है और क्रेडिटर है उसको जितने भी मटेरियल फैक्ट्स हैं वो डिस्क्लोज करने चाहिए जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है। उसके बाद ही अगर कोई भी ऐसी गारंटी ऑब्टेन की गई है किसके द्वारा, क्रेडिटर के द्वारा, ठीक है, तो ऐसी गारंटी जो वो ले रहा है बाद में इनवैलिड होती है, क्योंकि आप ने मिसरिप्रेजेंट किए थे फैक्ट्स और उसके बाद उससे गारंटी ली थी, यानी श्योरिटी, मतलब श्योरिटी तो बेचारा बीच में फंस गया, बोलते हैं ना बेमौत मारा गया, उसने कुछ किया भी नहीं। तो अगर आपने मटेरियल फैक्ट्स छुपाए हैं श्योरिटी से, किसने, डेटर और क्रेडिटर ने, और उसको आप कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व कर रहे हैं और अगर उसको बाद में पता चलता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाता है, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। फिर नेक्स्ट देखो उसमें 6 पॉइंट के बाद 7 पॉइंट, गारंटी मस्ट नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ कीपिंग साइलेंस टू मटेरियल सर्कमस्टांसेस, कीपिंग साइलेंस टू मटेरियल सर्कमस्टांसेस। ये भी पॉइंट किसके लिए अवेलेबल है, गारंटी के लिए। तो कोई चीज अगर आप उसे छुपा के रख रहे हैं तो वो भी गलत है, किससे, श्योरिटी से। श्योरिटी कौन है यहां पर, गारंटर है। तो पहले वाले पॉइंट में क्या था, रिप्रेजेंटेशन था कि मिस रिप्रेजेंट करना, फैक्ट्स को मैन्युपुलेट करना, और दूसरे वाले में क्या है कि चुप रहना, मतलब उससे फैक्ट्स को क्या करना, छुपा के रखना। तो ऐसे सिचुएशन में भी वो क्या रहेगा, इनवैलिड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है 8th पॉइंट, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मस्ट बी इन ओरल, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मे बी इन ओरल और इन राइटिंग। इसका मतलब क्या होता है, ओरल और राइटिंग का एक्सप्रेस, बताया ना मैंने एक्सप्रेस क्या है, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मे बी इन ओरल और इन राइटिंग। एक वर्ड, लैटिन वर्ड मैं आपको बता रही हूँ 6th पॉइंट में ऐड करना आप लोग, UBBERRIMAE, SIDEI, वर्ड सुना है कभी, इसको बोलते हैं, नो मैम, ऑफ एब्सोल्यूट गुड फेथ। इसका मतलब देखो, मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास से बताया था कि हम इसमें बीच बीच में लैटिन वर्ड्स का यूज करेंगे, तो ये एक लैटिन वर्ड है, इसका इंग्लिश में मीनिंग ये होता है ऑफ एब्सोल्यूट गुड फेथ। तो इसमें क्या है, जो गारंटी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है वो कभी भी गुड फेथ के पे नहीं बना रहता है, क्योंकि इसमें हमेशा चांसेस होते हैं कि आपसे जो फैक्ट्स हैं, जो मटेरियल्स हैं, वो क्या करें, मैनिपुलेट हो, मिसरिप्रेजेंट हो। इसलिए जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है ये इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, इसमें लिखना इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड फेथ।
ये थे इसके फीचर्स. अब इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी के कुछ डिफरेंस देखते हैं अपन. डिफरेंस बिटवीन यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो मैम. अब देखो एक डिफरेंस देखते हैं अपन इसमें. एक पहला डिफरेंस है इसमें नेचर का. तो बताओ नेचर क्या होगा इंडेमनिटी का और गारंटी का. और यहाँ पे हम गारंटी का करेंगे. नेचर क्या है इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में? इसमें दो पार्टीज हैं इंडेमनिटी वाले में, और फर्स्ट पार्टी क्या करती है? प्रॉमिस करती है सेकेंड पार्टी को कि वो उसको क्या करेगी? सेव करेगी. किससे? लॉस से. तो फर्स्ट डिफरेंस में क्या आएगा? वन पार्टी प्रॉमिस टू अदर टू सेव फ्रॉम द लॉस. तो इसमें वन पार्टी अदर पार्टी को क्या करती है? प्रॉमिस करती है कि उसको लॉस से सेव करेगी. लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जो गारंटी है उसका नेचर क्या बोलता है? तीन पार्टी है. अगर दो में से दो पार्टी डेटर और क्रेडिटर में से जो क्रेडिटर अगर पैसे देने में फेलियर करता है या जो भी उसको काम करना है अगर उस काम को वो करने में उसका फेलियर आता है तब वो क्या करेगा? जो थर्ड पार्टी है वो उसको क्या करेगा? गारंटी देगा और उसके लॉस को क्या करेगा? वो कंप्लीट करेगा. सेकेंड देखो इसमें क्या होगा. नेचर था ये सेकेंड पॉइंट. देखो इसमें पार्टीज PARTIES. तो इंडेमनिटी में कितनी पार्टीज हैं? दो. और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कितनी पार्टीज हैं? तीन. नेक्स्ट नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर देखें तो इसमें कितनी कॉन्ट्रैक्ट होंगे इंडेमनिटी वाले में? बताओ इंडेमनिटी वाले में एक कॉन्ट्रैक्ट. और इसमें गारंटी वाले में कितना आएगा? तीन कॉन्ट्रैक्ट. याद रखो गारंटी वाले में तीन कॉन्ट्रैक्ट. फोर्थ इसका डिफरेंस बिटवीन देखो नेचर ऑफ लायबिलिटी. नेचर ऑफ लायबिलिटी तो इसमें एक ही लायबिलिटी होगी. दो पार्टीज हैं प्राइमरी और वो भी इंडिपेंडेंट. याद रखना किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है किसी की लायबिलिटी. तो प्राइमरी एंड इंडिपेंडेंट. प्राइमरी एंड इंडिपेंडेंट सेम. इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या हो जाएगा? बताओ लाइबिलिटी अराइज ओनली आफ्टर द डिफॉल्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर. प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी होती है? प्रिंसिपल डेटर की. तो जब ये अपना काम अच्छे से नहीं करता है तब इसका लायबिलिटी अराइज होता है. लायबिलिटी अराइज ओनली आफ्टर द डिफॉल्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर. नेक्स्ट देखो इसमें फिफ्थ डिफरेंस क्या होगा. एग्जिस्टेंस ऑफ डेब्ट.
जो डेब्ट है जो देना है, एग्जिस्टेंस ऑफ डेब्ट किसमें होगा? एग्जिस्टेंस ऑफ डेब्ट इसमें कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, डेब्ट का नो एग्जिस्टेंस, इसमें कोई भी काम है जरूरी नहीं है सिर्फ पैसे लेने से रिगार्डिंग हो। अगर इंडेमनिटी होल्डर कोई लॉस सफर करता है तो उस लॉस को कंपनसेट करना या गुड करना इंडेमनिटी का काम होता है, लेकिन इसमें हमेशा पेमेंट्स के रिगार्डिंग ही पड़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, तो इसलिए इसमें कुछ ना कुछ डेब्ट एग्जिस्ट करता है, देयर इज ऑलवेज सम एग्जिस्टिंग डेब्ट, देयर इज ऑलवेज सम एग्जिस्टिंग डेब्ट, देयर इज ऑलवेज सम एग्जिस्टिंग डेब्ट। किसी को डाउट है फिफ्थ पॉइंट तक पूछो कहीं पे। नेक्स्ट इसमें लिख सकते हो रिक्वेस्ट बाय डेटर, तो रिक्वेस्ट क्या करता है डेटर इसमें बताओ। इसमें रिक्वेस्ट जैसी कोई चीज नहीं आती है इंडेमनिटी में, और इसमें क्या होता है जो श्योरिटी गारंटी देता है, किसके रिक्वेस्ट पे? डेटर के रिक्वेस्ट पे ही वो गारंटी लेता है डेटर की, तो इसमें रिक्वेस्ट बाय डेटर आएगा। एक सेवेंथ आएगा इसमें राइट टू सू, SUE। तो इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं है इंडेमनिटी में जो उसके लॉस को कवर कर सके या कोई केस कर सके, लेकिन अगर श्योरिटी है जो थर्ड पार्टी है जो गारंटी है, अगर उसने प्रिंसिपल डेटर का अमाउंट पे किया है तो वो चाहे तो बाद में डेटर के ऊपर केस कर सकता है। समझ में आया? अगर श्योरिटी पैसा पे कर रहा है तो वो बाद में डेटर के ऊपर केस कर सकता है। फिर है एग्जिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी लाइबिलिटी, तो यस इंडेमनिटी वाले में बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन गारंटी वाले में सेकेंडरी लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्टेंस of secondary liability, तो उसमें वो exist करती है। कोई doubt है पूछो यहां तक। two types of kinds of guarantee पढ़ेंगे, एक रहेगी specific और simple, और एक अपन पढ़ेंगे इसमें कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी इसमें देखो जो स्पेसिफिक और सिंपल गारंटी होगी वो एक सिंगल स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए ही है। अगर वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट और वो ट्रांजेक्शन खत्म हो गया, एग्रीमेंट खत्म हो गया, तो गारंटी वाला जो डेब्ट है अगर वो कंप्लीटली परफॉर्म हो गया तो ये कौन सी गारंटी कहलाएगी? स्पेसिफिक और सिंपल। इसका एक एग्जांपल है, सपोज अगर एक्स को सप्लाई करने 10 चेयर, कितना? 2500 का, वाई को क्रेडिट पे। एक महीने की गारंटी ली थी किसने? जेड ने। तो ये स्पेसिफिक गारंटी है, जेड की लाइबिलिटीज में कब खत्म हो जाएगी? जैसे ही वाई क्या कर देगा? पैसे पे कर देगा। इस एग्जाम्पल को अगर मैं लिखू इसमें कितने पार्टीज इन्वॉल्व कर रही हूँ मैं इसमें? X, एक Y और एक Z। तो Z X जो है वो क्या है इसमें? क्रेडिटर है, Y इसमें कौन है? प्रिंसिपल डेटर है, और Z है इसमें गारंटर। Z है इसमें गारंटी ले रहा है, वो श्योरिटी है, वो गारंटर बोलो या फिर श्योरिटी बोलो, बात एक ही है। अब इसमें देखो X क्या कर रहा है? 10 चेयर सप्लाई कर रहा है, किसको? Y को। किस पे? क्रेडिट पे। तो एक महीने की गारंटी है
वाई ने बोला है कि वो एक महीने में अमाउंट पे कर देगा, और गारंटी कौन ले रहा है? जेड किसकी ले रहा है? वाई की, कि यस वाई पे कर देगा। तो अगर एक महीने के अंदर एक्स सॉरी वाई अगर एक्स को पैसे दे देता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट, क्योंकि इसको इसके पैसे मिल गए, तो श्योरिटी का जो काम था जो उसने लेके रखी थी वो कंप्लीट, और यहाँ पे ये एग्रीमेंट खत्म, तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक और सिंपल गारंटी। लेकिन अगर मैं कंटिन्यूइंग गारंटी की बात करती हूँ, तो जिसमें सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व हो, मतलब लाइन बाय लाइन ट्रांजेक्शन्स क्या होते जा रहे हैं, इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स इसमें इन्वॉल्व है, वो होगी कंटिन्यूइंग गारंटी। ये सिर्फ किसी एक ट्रांजेक्शन पे नहीं रुकेगी, ये कीप ऑन मूविंग, ये क्या करता रहेगा, कीप ऑन मूविंग, इसको बोलते हैं जैसे जैसे ट्रांजेक्शन आते जाएंगे गारंटी कंटिन्यू होती जाएगी। श्योरिटी लायबिलिटी, जिसमें श्योरिटी उसकी कब तक रहेगी, जब तक ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाते, या फिर जब तक उसकी गारंटी कंप्लीट नहीं हो जाती। अगर उसने एक साल तक की ली है गारंटी किसी एक पर्सन की, तो उस एक साल में वो लोग जितने भी कॉन्ट्रैक्ट करते जाएंगे तब तक उसकी गारंटी होते रहेगी उसमें। एक साल में अगर वो लोग 50 बार भी लेन देन कर रहे हैं, तो उन 50 लेन देनों में गारंटी वही रहेगा। कौन रहेगा इसमें? सपोज अगर इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं, एक्स वाई और जेड को, तो जेड ही एक साल तक अगर उसने ऐसा कोई पेपर वर्क साइन किया है फॉर द नेक्स्ट वन ईयर आई विल बी द श्योरिटी ऑफ दैट पर्सन, कि अगले एक साल तक कि मैं उसका श्योरिटी रहूंगा, तो एक साल के अंदर जितने भी एन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन रहेंगे वो उसका गारंटी लेते रहेगा। कोई डाउट है किसी को? नो मैम। अब इसमें कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे अपन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी में, कुछ पॉइंट्स हैं इसके।